Good morning, everyone. Welcome to Stay Scholar. My name is Chitra Varun, and here we are discussing NCERT Class 6 Science. And today's our topic of discussion would be components of food. This is chapter number 2. So let's start with the topic. Components of food. So in this chapter, we will talk about the component, different type of components present on in the food. In our previous chapter, we read about the different type of food item that is present, right? And what kind of food we eat and ingredients ke baare mein humne baat ki thi, kya kya jo type ke ingredients hain unke baare mein humne discuss kiya tha. But now we will discuss about the components of food, right? A meal consists of chapati, dal, a brinjal curry, or rather maybe rice, sambar and vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetable. तो यहाँ बताया गया जो हमारा meal होता है basically वो consist होता है किससे, बना होता है चपाती से, दाल से, brinjal curry से. और अगर दूसरे type of खाने की बात करें तो वो किससे बना होगा, rice, sambar, vegetable preparation से बना होगा. और भी दूसरे type के food की बात करेंगे that could be made up of appam, fish curry या vegetable. तो different different states में different different type का खाना खाया जाता है, right? So here in this picture we can see this is the ये एक vegetable है यहाँ पर, और आपको यहाँ एक और vegetable, ये दाल दिख रही है, ये चपाती है. तो this is the type of एक type का, ये एक प्रकार का खाना है. Our meal usually have at least one item made up of kind of grain. हमारा जो food होता है basically किससे बना होता है, एक प्रकार के grain से बना होता है. At least हमारे जो food में क्या होता है, grain होता है, right? Other item could be दाल और dish of meat and vegetable, ठीक है? It may be also includes like curd, buttermilk and pickles. और हमारे दूसरे जो हमारे जो items हैं food में वो क्या हो सकता है, curd हो सकता है, buttermilk हो सकता है, pickle हो सकता है. Some example of meals from different regions are given in table 2.1, right? अब यहाँ पर जो table 2.1 है उसमें जो दूसरे स्टेट्स में जो खाना है वो बताया गया है, दूसरे स्टेट या डिफरेंट रीजन्स में. फॉर एग्जांपल पंजाब की बात करेंगे तो देयर इज अ फेमस मक्के की रोटी, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग जो होता है वो बेसिकली बहुत फेमस होता है. और जो वहाँ पर दाल जो बेसिकली या पल्सेस हम कह सकते हैं, राजमा या किडनी बीन्स बोलते हैं जिसे हम, वो बहुत ही फेमस होता है. और दे ऑल्सो लाइक टू ईट कर्ड एंड घी, वहाँ पर कर्ड और घी भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है. आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो दे यूज टू ईट राइस, राइट? राइस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. तूर दाल एंड रसम, रसम वहाँ पर बहुत होता है, कुंदरू की सब्जी जो होती है बेसिकली. और बटर मिल्क, घी, पिकल, ये बहुत ज़्यादा होता है, राइट? तो अलग अलग स्टेट में हमारे अलग अलग टाइप का खाना होता है, राइट? Sometimes we may not really like all this variety in our meal. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way, right? It may not be possible for us, some of us to eat such a variety of item most of the time, right? तो ऐसा possible नहीं है कि हमारा खाना, हम जो variety of meal का हमें हमेशा ही मिले. For example, अगर हम traveling कर रहे हैं तो हमें जो भी रास्ते में खाना available होता है वही हम खाते हैं. may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. ऐसा possible नहीं है किसी के लिए भी कि all the time उसको variety of food मिले, right? तो यहाँ पर फूड की बात हो रही है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हम फूड खाते हैं. देयर मस्ट बी सम रीजन दो व्हाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन. अब डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस, राइट? तो हमें क्या आप सोचते हैं ऐसा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स होता है, डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ फूड जो हमारी बॉडी के स्पेशल पर्पस के लिए होता है? यस, हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप ऑफ फूड चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे, दाल खाते हैं हम, राइट? और कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ठीक है? दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं. तो कार्बोहाइड्रेट में किस में प्रेजेंट होता है? राइस में होता है. और किस में होता है कार्बोहाइड्रेट आपका? रोटी में प्रेजेंट होता है. तो हमारी जो बॉडी की आवश्यकता है, हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, राइट? और उसके बाद आता है प्रोटीन, और सबसे कम मात्रा में हमें फैट चाहिए. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन? अब यहाँ पर हम बात करेंगे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट और जो भी हमारे कंपोनेंट्स हैं फूड के. वी नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इन्ग्रीडियंट विच वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल. अब हमें पता है कि हमारे जो खाना होता है उसका जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं या तो वो प्लांट से आते हैं या एनिमल से आते हैं, राइट? दीज इंग्रेडिएंट कंटेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी. अब इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द रोटी एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द दाल,
तो दाल एंड रोटी जो होती है वो प्लांट का सोर्स है, ठीक है। तो दाल के अंदर हम जब दाल बना रहे हैं तो दाल के अंदर हमें पल्सेस चाहिए, ठीक है। रोटी के लिए हमें क्या चाहिए, वीट चाहिए। अगर राइस खा रहे हैं तो राइस चाहिए, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो राइस होता है, हम जब खाते हैं तो राइस और वीट या फिर दाल जो प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं कंपोनेंट। बेसिकली वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड दे नरिश अवर बॉडी, हमारी बॉडी को वो नरिश करते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड आर नेम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो हमारे मेजर फाइव टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड के अंदर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है, ये हमें याद रखने हैं। इन एडिशन फूड कंटेन डाइट्री फाइबर एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय अवर बॉडी। जैसा कि हमने बताया कि हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल बहुत ज्यादा जरूरी है, उसी प्रकार से हमारी बॉडी के लिए दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं लाइक डाइट्री फाइबर बहुत जरूरी होता है, वाटर बहुत जरूरी है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट? विद सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो एक स्पेशल टाइप ऑफ खाना है उसमें सारे कंपोनेंट हो, राइट। अगर हम रोटी खा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि रोटी के अंदर प्रोटीन भी हो, प्रोटीन नहीं होता रोटी में, राइट। क्या होता है रोटी के अंदर, हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यही बात बोलिए, जो हमारे फूड होता है उसके अंदर अलग अलग फूड में अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। विथ सम सिंपल मेथड, हम कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड है उसमें किस टाइप का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, राइट। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपल टू डू एज कंपेयर टू टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट, राइट। जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका टेस्ट करें या फिर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करें, ये क्या है, बहुत ही सिंपलर टेस्ट होते हैं। जैसे कि दूसरे न्यूट्रिएंट का करेंगे वो भी सिंपल होगा। लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन। अब हम क्या करेंगे कि इन टेस्ट का, इनको टेस्ट करते हैं, जो आपका फूड है, फूड के कंपोनेंट्स हैं उनको टेस्ट करते हैं और उसके बाद हम बताते हैं उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। आपको क्या चाहिए, बेसिकली आपको चाहिए टेस्ट ट्यूब्स प्लस आयोडीन चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक है, ये चीजें चाहिए आपको तीन, और आपके पास टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए। ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। या तो आप ये टेस्ट कर सकते हैं कुक्ड फूड से भी कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली रॉ मटेरियल लेके, जैसे कि आपको सपोज आपको टेस्ट करना है पोटैटो, आप पोटैटो कट कीजिए विदाउट कुकिंग इट एंड यू कैन टेस्ट, राइट। तो आप रॉ भी ले सकते हैं और कुक्ड भी ले सकते हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दीज और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट टेस्ट एनी केमिकल बिकॉज दे आर सो पॉइजनस। इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन द रेडीमेड फॉर्म, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स, राइट। अगर ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए यहाँ पर बताया हुआ है किस तरीके से आप सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये है एक, अगर आपको चाहिए, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आयोडीन का तो किस तरीके से बनाएंगे, आप टिंचर आयोडीन को किस में डालेंगे, वाटर के अंदर। अगर यानी कि आपका टिंचर आयोडीन जो होता है उसको दो तीन ड्रॉप्स को आप वाटर में डालिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो आपका एक डायल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन बन जाता है। डायल्यूट मतलब कि उसमें पानी ज्यादा है, वो डायल्यूटेड फॉर्म में, राइट, नॉट इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 ml ऑफ वाटर। अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चाहिए तो आप 2 ग्राम का कॉपर सल्फेट लीजिए, 2 ग्राम लीजिए और उसको किसमें 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा। इसी तरीके से हम कास्टिक सोडा सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के लिए यू हैव टू वे 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा। आपको 10 ग्राम वे करना पड़ेगा, उसका वेट लेना पड़ेगा, 10 ग्राम को आप डिजोल्व करेंगे 100 ml ऑफ वाटर, राइट। तो यहाँ पर ये सिंपल चीजें हैं किस तरीके से आप सॉल्यूशन बना सकते हैं अगर दे आर नॉट अवेलेबल रेडीमेड, राइट। तो यहाँ पर अब बात कर रहे हैं हम वेयर वी वर, राइट। लेट इस बिगिन बाई टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट। अब हमें टेस्ट करना है, हमें देखना है कि ऐसा कौन सा हमारा फूड आइटम है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हो, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए देर आर मेनी टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर
वैसे तो देखिए बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारे फूड में प्रेजेंट होता है बेसिकली वो किस फॉर्म में होता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म्स में होता है, राइट। ये दिस टाइप ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड, राइट। कौन कौन सा? स्टार्च एंड शुगर्स। वी कैन इजिली टेस्ट इट इन द फूड आइटम कंटेन स्टार्च। वी कैन इजिली टेस्ट इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। अगर कोई फूड है उसको हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे उसके अंदर क्या है, स्टार्च हो, हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, राइट। कैसे? टेस्ट फॉर स्टार्च। अब टेस्ट कैसे स्टार्च करेंगे, स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट, पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन देखिए क्या करना है हमें, फूड आइटम लेना है हमें और उसके अंदर हमें 2-3 ड्रॉप क्या करनी है, डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की डालनी है, राइट। अब हमें क्या दिखता है, ये देखिए ये क्या है, दिस इज द पोटैटो। यू कैन सी हाउ दे आर टेस्टिंग फॉर द स्टार्च। दे कट द पोटैटो एंड देन दे पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ आयोडीन सोल्यूशन, राइट। डिड इट टर्न इट ब्लैक? अगर ये नीला हो जाता है, ब्लू ब्लैक हो जाता है, दैट मीन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो हमें यहाँ पर समझ आ गया कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, राइट। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन, राइट। अगर हम सपोज कोई दूसरी वेजिटेबल को कट करके देखते हैं, उसमें हम ये डायल्यूट आयोडीन का सोल्यूशन डालते हैं, अगर वो ब्लू ब्लैक नहीं हो रही है आफ्टर द पुटिंग द सोल्यूशन, इफ दे आर नॉट टर्निंग इन टू ब्लू ब्लैक कलर, दैट मीन इट इज नॉट अ स्टार्च, देर इज नो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आलू की बात करते हैं, आप पोटैटो की बात करते हैं, तो देर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, राइट। नाउ कम टू द टेस्ट फॉर प्रोटीन। प्रोटीन की बात करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ए फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। कोई भी फूड आइटम लीजिए, प्रोटीन का टेस्ट करना है हमें। इफ द फूड यू वॉन्ट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक इट पेस्ट और इट और वाटर इट, राइट। ये आपको क्या करना है कि कोई भी फूड आइटम देना लेना है, वो सॉलिड है, तो सबसे पहले आप उसका पेस्ट बनाएंगे या फिर उसको पाउडर फॉर्म में करेंगे, राइट। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुट सम ऑफ दिस इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब उसके बाद हम उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, उसमें वाटर डालेंगे। नाउ यूजिंग ए ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब प्रोटीन का जो टेस्ट होता है बेसिकली किससे होता है, कॉपर सल्फेट से होता है, राइट। और जो हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था उसका टेस्ट किससे होता है, आयोडीन से होता है, राइट। तो हमें यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोटीन की, दैट मीन वी नीड टू ऐड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट। अब हमने इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया है, उसकी 10 ड्रॉप्स डाल दिए, राइट। और उसके बाद हमने कास्टिक सोडा भी उसमें 10 ड्रॉप्स डाल दिए, राइट। देखिए दिस इज द टेस्ट फॉर प्रोटीन। यहाँ पर आपको देखिए दिस इज द फूड मटीरियल, यहाँ पर आपका फूड मटीरियल है पेस्ट फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में, उसके अंदर हमने वाटर डाला है पहले, उसके बाद हमने कॉस्टिक ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाला है, देन कॉस्टिक सोडा, ठीक है। अब हम इसमें जांच करेंगे, राइट। अब देखिए इसकी ऑब्जर्वेशन में, अगर इसको पहले हमें क्या करना है, शेक करना है इसको, अच्छे से इसको हिलाना है टेस्ट ट्यूब को, अच्छे से शेकिंग करनी है। डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, अगर उसका कलर वॉयलेट हो जाता है, वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम। अगर वॉयलेट कलर इसका टर्न हो जाता है, वॉयलेट कलर का दिखने लगता है, दैट मीन देर इज अ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, राइट, इन द फूड आइटम। नाउ यू कैन रिपीट द टेस्ट Now you can repeat the test on other food item. अब दूसरे फूड पर भी आप ये टेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये टेबल है, यहाँ पर दिखाया फूड आइटम, रॉ पोटेटो में अगर हम टेस्ट करते हैं स्टार्च का, तो यहाँ पे स्टार्च पाया जाता है। मिल्क में आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ग्राउंड नट में आपको फैट मिलेगा, अनकुक्ड पाउडर राइस में आपको स्टार्च मिलेगा, कुक्ड राइस में स्टार्च मिलेगा, राइट। इस तरीके से हम ये टेस्ट करके पता लगा सकते हैं किस फूड आइटम में कौन सा इंग्रेडिएंट, सॉरी कौन सा कंपोनेंट यानी कि न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट। टेस्ट फॉर फैट, अब फैट की बात कर रहे हैं। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब हम क्या करेंगे, कोई भी फूड आइटम लेंगे, उसको किसी पेपर के अंदर क्रश कर लेंगे, टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टीयर, राइट। अब उसको इस तरीके से क्रश करना है कि आपका पेपर ना फटे, राइट। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच। अगर ये ऑयली पैच दिखा रहा है, दैट मीन
होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच, ठीक है, एंड ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट अ फूड आइटम कंटेन फैट. अब किसी पेपर को आप ऑब्वियसली बात है, अगर किसी पेपर है उसके अंदर आपने कोई ग्रेन रखा है सपोज, या फूड आइटम रखा है, उसको आप इस तरीके से क्रश कर रहे हैं और क्रश करने के बाद आपको कोई स्पॉट दिखाई देता है, ऑयली पैच दिखता है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, राइट. दैट मीन इट इज अ ऑयली फूड, फैट फूड. द फूड आइटम में समटाइम कंटेन ए लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल. इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम. इफ नो ऑयली पैच शोज आफ्टर दिस, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, राइट. अगर हम किसी को, जैसे सपोज आपने अगर आपने पीनट लिया, पीनट को आप क्रश करते हो किसी पेपर के, तो पीनट के बाद जब पेपर को आप देखोगे उठाकर, तो आपको थोड़ा सा ऑयली पैच दिखेगा, दैट मीन इट कंटेन फैट. तो इसी टाइप से अगर कोई ऐसा ग्रेन है या कोई फूड आइटम है जिसमें वाटर रिलीज हो रहा है, तो वाटर ड्राई होने के बाद देखिए आप पेपर को. इफ देयर इज नो ऑयली पैच दैट इट डज मीन देयर इज नो फैट प्रेजेंट ऑन इट, राइट. यानी कि दिस इज नॉट ए फैटी फूड, ये को क्या है, फैटी फूड नहीं है, फैट नहीं है इसमें. What do these tests show? Are fat, protein and starch present in all the food item that you tested? Does a food item contain more than one nutrient? Do you find any food item that does not contain any of these nutrients? We tested food item for three nutrient, carbohydrate, protein and fat. There are other nutrient like vitamins and minerals that are present in different food item. Why do we need all these nutrients? अब पूछ रहे हैं कि हमें इन सब की क्यों हमें आवश्यकता होती है. What do various nutrients do for our body, right? अब बताया गया है कि हमें जो हमारी बॉडी है उसको ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, राइट. अब देखिए यहाँ पर जो पिक्चर है इसमें डिस्कस किया हुआ है, we left this portion. Fat and carbohydrate also called the energy giving food, right? जो फैट होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ये हमें थंब रूल है. ये मेन जो बात हमारी यहाँ पर ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड प्लस जो फैट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड है, राइट. और जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी यानी मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ. एंड जो रियर एंड टीयर यानी कि जो टूट फूट हमारी बॉडी में होती है उसके रिपेयर के लिए हमारी क्या काम करता है, प्रोटीन काम करता है, राइट. तो एक्सक्यूज मी, सो दीज आर द सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. यहाँ पर कुछ फूड दिखाए हुए हैं, स्वीट पोटैटो है, शुगर कैन है, पपाया है, मैंगो, मेलन, मेज, दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइट. सम सोर्स ऑफ द फैट, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स. अब जो फैट के सोर्स हैं, क्रीम, मिल्क, बटर, घी, ये क्या है, अंडा, ये मछली, ये सब एनिमल सोर्सेज हैं फैट के, राइट. लेकिन कुछ हमारे पास क्या है, प्लांट सोर्स भी है ऑयल फैट के, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, नट्स, तिल, ग्राउंड नट्स, दीज आर द ऑल फैट सोर्स, फैट फूड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट, राइट. फूड कंटेनिंग स्मॉल क्वांटिटीज, वेयर वी वर, ओके. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी. अब हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बेसिकली वो करते क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, इन फैक्ट फैट गिव मोर एनर्जी, राइट, एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट. फूड कंटेनिंग, वी ऑलरेडी रेड दिस वन, फूड कंटेनिंग fat and carbohydrate are also called the energy giving food and protein are needed for the growth of our body and repair of our body, ye hum already discuss kar chuke hain, right. food small quantities, vitamin a keeps our skin and eye healthy. small quantities mein hame kis ki zarurat hoti hai, vitamins ki zarurat hoti hai. vitamin a jo hoti hai hamari body ko, basically we were not here.
फूड प्रोटीन फूड आर कॉल्ड द बॉडी बिल्डिंग फूड. विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज. विटामिन्स जो होती है बेसिकली हमारी बॉडी को किससे बचाती है, डिजीज से बचाती है, बीमारियों से बचाती है. विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज बोन टीथ एंड गम्स हेल्दी. विटामिन्स जो होते हैं बेसिकली हमारी बॉडी आईज है, बोन्स है, टीथ है या गम्स है उनको हेल्दी रखने में मदद करती है, राइट. विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड known by different names. Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E and K. And there is also a group of vitamin called vitamin B complex, right? A है, C है, D है, E है and K है, right? इसमें से जो और एक group of complex of proteins है उनको हम कहते हैं B complex. Our body need all type of vitamins in स्मॉल क्वांटिटीज. अब जो विटामिन्स होते हैं बेसिकली वो हमें क्या है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं. एंड विटामिन ए कीप्स अवर स्किन एंड आई हेल्दी. विटामिन ए क्या होता है बेसिकली रेटिनॉल जो होता है वो हमारी आईज को हेल्दी रखता है, हमारी स्किन को हेल्दी रखता है. विटामिन सी क्या करता है दैट हेल्प्स टू बूस्ट अवर इम्यून सिस्टम, राइट. और हम कह सकते हैं कि जो बॉडी में विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज. हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है और जो बहुत सारी डिजीज होती है उनके अगेंस्ट ये फाइट करता है, राइट. विटामिन डी हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ. जो विटामिन डी होता है जो हमें सन लाइट से मिलता है, राइट. सनरेज से हमारी बॉडी के ऊपर सनरेज जब आती है तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी प्रोडक्शन होती है और वो क्या करती है हमारी बॉडी को जो हमारा कैल्शियम होता है हम जो खा रहे हैं दूध से ले रहे हैं कैल्शियम उसको एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करता है और हमारी बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है, राइट. फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर शोन इन 2.6 टू 2.9 फिगर, राइट. मिनरल्स आर ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी इन स्मॉल क्वान्टिटी. जो मिनरल्स होते हैं बेसिकली वो भी हमें बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है. ईच वन इज असेंशियल. अब देखिए यहाँ पर इससे पहले हम बात करेंगे सोर्स ऑफ विटामिन ए. कैरेट है, ऑरेंज कलर के जो फ्रूट होते हैं बेसिकली दे आर रिच इन विटामिन ए, राइट. तो यहाँ पर कैरेट जो कैरेट है, मैंगो है, पपाया है या मिल्क फिश है ये बेसिकली विटामिन ए रिच होते हैं. एंड विटामिन बी रिच क्या है, वीट है, राइस है एंड लिवर. लिवर रिच इन विटामिन बी. नाउ कम टू द विटामिन सी. सिट्रस फ्रूट्स होते हैं दे आर रिच इन विटामिन सी. आंवला हो गया, लेमन, ग्रीन चिलीज, गुआवा, ऑरेंज, टोमेटो दे आर ऑल गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. विटामिन डी के सोर्स है एग, लिवर, मिल्क, बटर, फिश, लिवर, राइट. तो बेसिकली हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है, मिल्क से मिलेगा, एग से मिलता है, बटर से मिलता है और ऑल जो नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं उससे मिलता है, राइट. अब यहाँ पर देखिए यही सेम चीज है. अवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. नाउअडेज इनसफिशियंट एक्सपोजर टू द सनलाइट इज कॉजिंग विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मेनी पीपल, राइट. तो हमारी बॉडी पहले के लोग क्या करते थे कि ये लोग सनलाइट में बहुत ज्यादा रहते थे एंड दे आर हैविंग गुड यू नो गुड अमाउंट ऑफ विटामिन डी इन देयर बॉडी. बट नाउअडेज क्या होता है कि आजकल इंटरनल मतलब घर में लाइफ हो गई है, सभी लोग ऑफिस में रहते हैं एंड दे डोंट प्रेफर टू गो इन द सनलाइट, राइट. तो वो बेसिकली क्या है, दे आर नॉट एक्सपोज टू सनलाइट और उनके अंदर ही क्या होती है, आजकल ऐसा टाइम है कि हम लोग बाहर नहीं जाते, धूप में नहीं जाते एंड दिस इज द मेन कॉज फॉर द विटामिन डी डेफिशिएंसी इन मेनी पीपल, राइट. नाउ वी वर हेयर. हम क्या पढ़ रहे थे अभी, हम पढ़ रहे थे अबाउट मिनरल्स. मिनरल्स आर नीडेड बाय अवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट. ईच वन इज असेंशियल. मिनरल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के लिए बेसिकली, राइट. फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन 2.10. अब कुछ सोर्सेज कुछ बता रखे हैं मिनरल सोर्स हैं जो मिनरल हमें प्रोवाइड करते हैं. मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट. यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन. However, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in other, right? ऐसा होता है कि जैसे हमारी जो खाना है, right?
हमारा खाना है या कोई फूड आइटम है ऐसा हो सकता है कि उसमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट हो, राइट? उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें फैट भी हो, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि, या एक तो ये बात कि ऐसा कोई फूड नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी आइटम सभी फूड में, सभी न्यूट्रिएंट सारे फूड्स में होते हैं, राइट? ये जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर वो होते हैं तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि उनमें सभी की मात्रा इक्वल हो, राइट? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट हो, ऐसा भी नहीं है। तो ये हो सकता है कि कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जिनके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, राइट? और दूसरा जो न्यूट्रिएंट है उसकी मात्रा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल, राइस की बात करेंगे, राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, राइट? दस वी से राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच ऑफ फूड, ठीक है? जो राइस होता है उसे हम कहते हैं कि दिस इज कार्बोहाइड्रेट फूड। व्हाई? बिकॉज इट इज हैविंग मच, सो मच कार्बोहाइड्रेट, राइट? ये कार्बोहाइड्रेट रिच होता है, इसलिए हम कहते हैं दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और वी कैन से राइस इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, राइट? बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स, आवर बॉडी नीड डाइट्री फाइबर एंड वाटर। अब इसके अलावा हमारी बॉडी को क्या चाहिए? देखिए, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन्स हो गए, और क्या चाहिए हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी को चाहिए डाइट्री फाइबर एज वेल एज वाटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइट्री फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड, होल ग्रेन एंड पल्सेस, प्रोटीन, पोटेटोस, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। तो बेसिकली जो डाइट्री फाइबर है उसी को हम रफेज भी बोलते हैं, राइट? और उसके जो बेसिकली जो हमारा रफेज होता है वो कहाँ से आता है? प्लांट प्रोडक्ट से आता है। फॉर एग्जाम्पल, पोटैटोज, पल्सेस, ग्रेन्स, फ्रेश फ्रूट, ये क्या है? रफेज का मेन सोर्स है। वेजिटेबल आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। अब हम अगर ये नहीं खाएं वेजिटेबल और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट रोटी और चावल ही खाएं तो हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें बोल मूवमेंट में प्रॉब्लम होती है, हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी, ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता, बट स्टिल इट इज वेरी असेंशियल फॉर अवर बॉडी, बट इट इज एन असेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड टू इट्स बल्क, राइट? ये हमारे फूड को क्या करता है? बल्क बनाता है। एंड दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो किस प्रकार से निकलेगा बाहर? इसकी हेल्प से, रफेज की हेल्प से, राइट? तो हमारी बॉडी में रफेज इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर नहीं खाए तो हमें पता लग जाता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, राइट? अब यहाँ पर सोर्सेस दिखाए हुए हैं, देखिए, सोर्स, सम सोर्स ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सोर्स है क्या? फिश, जिंजर, राइट? और ये कुछ सी फूड दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ये आयोडीन का सोर्स है, राइट? सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, मिल्क फॉस्फोरस का सोर्स है, एज वेल एज दिस बनाना। सम सोर्स ऑफ आयरन, आयरन किससे मिलता है आपको? पालक से मिलता है, राइट? स्पिनेज, मटन से मिलता है, ये एप्पल है, पियर्स हैं। अब कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? कैल्शियम रिच सोर्स कौन से? कैल्शियम के मिल्क एंड एग, तो यहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, राइट? नाउ नेक्स्ट वन इज, और लास्ट वन इज वाटर। वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड, राइट? जो वाटर होता है हमारी क्या काम करता है? बेसिकली वाटर का क्या काम है? अब जो हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब कराने का काम कौन करता है? वो काम करेगा वाटर, राइट? तो हमने खाना खा लिया, उसके बाद उसका डाइजेशन हुआ और वहां से जो न्यूट्रिएंट पिक हुए वो किसकी सहायता से हमारे अंदर बॉडी में एब्जॉर्ब हुए? वाटर की हेल्प से। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज अ यूरिन एंड अ स्वेट, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट है वाटर, बिकॉज इट इज हेल्पिंग इन रिमूविंग टॉक्सिक, कह सकते हैं टॉक्सिन्स जो हमारी बॉडी में होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूरिन है, यूरिन को, यूरिन के थ्रू, वाटर के थ्रू हमारी बॉडी से यूरिन और स्वेट बाहर आता है, ठीक है? तो ये वेस्ट मटेरियल है बेसिकली जो हमारी बॉडी में होते हैं। अब स्वेटिंग होती है तो उसके थ्रू भी हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल या टॉक्सिन्स बाहर आते हैं। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट अवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक, राइट? सच एज वाटर, मिल्क एंड टी। जो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द टाइम किससे आता है वाटर? हमारी बॉडी में कहाँ से आ रहा है? या तो हम डायरेक्टली वाटर पिए या फिर मिल्क और टी से भी एडिशन होती है वाटर की। इन एडिशन वी एड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। वाटर और कहाँ से हम लेते हैं? कुक्ड फूड के अंदर भी हमारा सब्जी जो होती है वो किस तरह की होती है? तरी वाली सब्जी होती है, उनमें भी वाटर आता है। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। टेक ए टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, कट इन टू स्मॉल पीसेस। डू योर हैंड गेट वेट वाइल डूइंग सो? यस,
ऑफ कोर्स जब हम नींबू कट करते हैं या हम लेमन सॉरी टोमेटो कट करते हैं तो उसमें जूस जैसा निकलता है, राइट? तो वहां पर क्या है, वाटर है ना, तभी तो वो जूस जैसा दिखा. केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बींग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर हैंड, डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर? ऐसा आपने कभी कोई फ्रूट देखा है जिसमें कोई आपने वाटर नहीं हो? ठीक है, तो आप एक बार दो सोचना. वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देम सेल्फ कंटेन वाटर. तो बहुत सारे ऐसा फूड मटेरियल जिनमें सब में क्या होता है, पानी होता है. टू सम एक्सटेंट अवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर. अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम. अपार्ट फ्रॉम दिस कैसे आता है हमारे बॉडी में वाटर? हम फूड जो बनाते हैं, कुक जो करते हैं, उसमें हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, राइट? वाटर डाल के ही तो कुक करते हो, फिर वही हमारी बॉडी को मिलता है, राइट? बैलेंस डाइट की बात करेंगे, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट, राइट? जो हम डेली फूड खाते हैं, जो नॉर्मली हमारे एक दिन में हम जो फूड खा रहे हैं, वो क्या है, हमारी डाइट होती है. फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ अवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज, राइट? अब जो हमारी बैलेंस डाइट किसको बोलेंगे, कि ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी की गुड हेल्थ को मेंटेन करे एज वेल एज हमारी बॉडी की सारी आवश्यकताओं को पूरी करें इन्हें, और वो कितना हो, एक राइट अमाउंट में होती है, राइट? ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं आज और हमने प्रोटीन खाया ही नहीं, और कल हम बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट बहुत लेस खा रहे हैं, या विटामिन्स हमारे है ही नहीं डाइट में. तो ये दिस इज नॉट द बैलेंस डाइट, राइट? तो नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मात्रा में है और दूसरा न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में है. दिस इज नॉट द बैलेंस डाइट, राइट? तो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. तो डाइट क्या है, डाइट को एक डाइट, एक प्रॉपर डाइट जो होती है, उसके अंदर हमारा रफेज भी होना चाहिए, हमारा वाटर भी होना चाहिए, हमारी प्रॉपर विटामिन सोर्स भी होने चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए. सच डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, राइट? डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? अब आपको ये सोचना है कि हम जो सारी एज के लोग हैं, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एज के हैं, उनको सभी एक टाइप की डाइट चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है. डू यू ऑल्सो थिंक दैट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? यस, ऑफ कोर्स. अगर हम जैसे ऑफिस गोइंग है कोई, और उसको उसको जितनी मात्रा में डाइट चाहिए, उससे कहीं गुना ज़्यादा किसको, एक डेली वेजर को चाहिए जो कि सड़क पर काम कर रहा है या फिर वो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा है, उसको हमें बहुत ज़्यादा, उसको डाइट ज़्यादा देनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज़ डूइंग फिजिकल वर्क, राइट? तो फिजिकल वर्कर्स को ज़्यादा चाहिए डाइट, रिक्शा पुलर को ज़्यादा चाहिए, लेकिन एक ऑफिस में बैठे हुए इंसान को क्या है, थोड़ी कम डाइट चाहिए, राइट? तो ये डिपेंड करता है, द अमाउंट ऑफ डाइट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल वर्क व्हाट वी आर डूइंग, राइट? प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक एंड चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशंस आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो, राइट? पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बंगाल ग्राम. बंगाल ग्राम क्या होता है, बेसिकली चना होता है ना, ब्लैक चना, उसको कहते हैं बंगाल ग्राम. पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज इडलीज, ए कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, मिस्सी रोटी, थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना, स्पिनेज, सत्तू, जागरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड प्रोवाइड मेनी न्यूट्रिएंट्स, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सारे दिए हुए हैं, ये गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड यू नो बहुत सारे इसमें मिनरल्स हैं, राइट? प्रोटीन है इसमें, कार्बोहाइड्रेट भी है. देयरफॉर वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटीरियल, राइट? एक जो बैलेंस डाइट को हम मेंटेन कर सकते हैं विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव ही खाने से. देखिए, अगर हम यहाँ पर फर्मेंटेड फूड की बात करते हैं, इडली की, दैट इज़ मेड अप ऑफ चना, सॉरी राइस एंड उड़द दाल, राइट? तो इसमें दाल तो प्रोटीन का सोर्स हो गया और राइस आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स हो गया, राइट? इसी तरह से मूंग की बात करेंगे, दिस इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. बंगाल ग्राम इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. ग्राउंडनट क्या है, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फैट. सोयाबीन भी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज फैट, ठीक है. जैगरी इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन. आयरन मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है. अवेलेबल वेजिटेबल्स जो होती हैं, चाहे वेजिटेबल घिया हो, तोरी हो, कोई भी वेजिटेबल हो, उसमें रफेज तो होता ही है, राइट? तो दीज आर द गुड सोर्स ऑफ डाइट. ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ. It should also be cooked properly so that its nutrients are not lost. ठीक है, इसको हमें
इस तरीके से कुक करना चाहिए कि उसके न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ना हो. आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? राइट, कुछ विटामिन्स होते हैं जो हीट पर अगर हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं फूड आइटम को, तो उसके जो विटामिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम. रिजल्ट ऑफ सम ऑफ द न्यू विटामिन्स, राइट. तो हमें पहले धोना चाहिए, उसके बाद पील करना चाहिए. पहले धो, फिर उसके बाद छीलो, और उसके बाद कटिंग करो. ऐसा नहीं कि पहले कट कर रहे हैं, छील रहे हैं, उसके बाद हम उसको धो रहे हैं, राइट. तो ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें वॉश करने के बाद ही उनको कट करना चाहिए, राइट. उनको पील करना चाहिए सो दैट वी कैन नॉट लूज सो मेनी विटामिन्स विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द वेजिटेबल, राइट. वेजिटेबल के ऊपर सरफेस पे विटामिन्स होती हैं, उनकी स्किन के नीचे. द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल. सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सब विटामिन एंड मिनरल प्रेजेंट इन दैम, राइट. और बहुत ज़्यादा हम राइस और दाल को अगर धोते हैं बार बार, तो रिपीटेड यूज ऑफ वॉशिंग क्या करता है कि उसमें से जो विटामिन्स और मिनरल प्रेजेंट है वो भी वहाँ से निकल जाते हैं पानी के थ्रू, राइट. वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट. एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, राइट. तो हमें जो कुकिंग है, बहुत ज़्यादा कुक करेंगे हम, जैसे हम सब्जियाँ बनाते हैं तो किस तरीके से हम तड़का लगाते हैं और बहुत अच्छे से कुक करते हैं अनियंस को, तो वो क्या करता है कि उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है उसमें उसको डिस्ट्रॉय कर देती है. उसके अंदर जो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, राइट. पर उसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है, राइट. तो कुकिंग बहुत ज़्यादा करने से क्या होगा, टेस्ट एनहांस होगा, लेकिन उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, राइट. मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रोन अवे. कई लोग होते हैं कि राइस को बॉईल करने के बाद उसके पानी को फेंक देते हैं, तो दिस इज नॉट द गुड वे टू कुक, राइट. उसमें क्या है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं, वो सारे क्या है, पानी के थ्रू वॉश हो जाते हैं, चले जाते हैं. विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉय बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग. कुकिंग के टाइम पे अगर विटामिन सी वाले कुछ कोई ऐसा फूड आइटम है जिसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा है और हम उसको कुक करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाती है विटामिन सी ओवर द हीट, राइट. तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सच फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन अवर डाइट? बोजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम. अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, राइट. ये तो देखिए, आपके पास अ बाउल ऑफ राइस है, अ बाउल ऑफ मलाई है, राइट. तो आप अगर बहुत सारा मलाई एक बार में खाते हो, दैट इज नॉट द गुड आइडिया बेसिकली, क्योंकि जो फैट है उसके अंदर इतनी ज़्यादा कैलोरीज हैं और इक्वलेंट अमाउंट ऑफ राइस के, ठीक है. बर्न होने के बाद फैट जो होती है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा कैलोरी प्रोड्यूस करती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट. तो फैट में जब इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है तो वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है, राइट. और इससे क्या होता है कि ओबिसिटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो ही एट नथिंग बट फूड रिच यू कैन सी द बॉय इज ओबीज. कितना जो फैट ज्यादा खाते हैं उनको ओबिसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है. इनफैक्ट फ्राइड फूड लाइक समोसाज एंड पुरीज, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये जो हम सोचते हैं कि हमने थोड़ा खाया बट दे आर हैविंग सो मच कैलरीज एंड डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफकोर्स नॉट. इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबिसिटी, राइट. मोटावा जिसे बोलते हैं ओबिसिटी, ओबिसिटी मीन होता है मोटापा. और किस वजह से होता है, देखिए, कम अमाउंट में फूड खाएंगे हमें लगेगा हमने कम खाया, राइट. इफ आई ईट वन कटोरी ऑफ मलाई और रबड़ी तो इट विल गिव यू सो मच कैलोरीज दैट दे इजिली स्टोर इन योर बॉडी. आपकी बॉडी में इकट्ठी हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है. एंड धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ओबिसिटी. नाउ कम टू द डेफिशिएंसी डिजीज. अ पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, राइट. अब कई बार हम खाते हैं, खाना खाते हैं और हमें लगता है कि हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, लेकिन समटाइम हमारे फूड में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, ठीक है. और वो कमी कुछ पीरियड, एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहे वो, ठीक है. इफ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफर फ्रॉम डिफिशियंसी, राइट. एक्सक्यूज मी.
तो उस पर्सन को डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी किसी चीज की कमी हो जाती है, राइट। और कमी, कोई न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है तो उससे कमी से होने वाले डिजीज को हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन योर बॉडी, ठीक है। अब कोई सपोज मैंने अपनी डाइट में विटामिन सी बंद कर दिया, राइट, तो विटामिन सी की कमी से बहुत लंबे टाइम तक विटामिन सी नहीं है मेरी बॉडी में, राइट, या विटामिन ए नहीं है, सपोज ए नहीं है, तो उसकी कमी से जो मुझे रोग होंगे उसको मैं कहूंगी कि डेफिशिएंसी डिजीज हो गई है, राइट। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज हर फूड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर कोई पर्सन प्रोटीन नहीं खा रहा है बहुत लंबे टाइम से, एंड ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया, राइट। तो उस पर्सन को क्या हो सकता है, ग्रोथ में कमी हो सकती है उसकी, ठीक है, फेस पे स्वेलिंग हो सकती है, हेयर डिस्कलर्ड हो सकते हैं, राइट, स्किन डिजीज हो सकती है या डायरिया हो सकता है। इफ द डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कार्बोहाइड्रेट की भी डेफिशिएंसी हो जाए एज वेल एज प्रोटीन की भी डेफिशिएंसी हो जाए, ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली, तो क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ कंप्लीटली स्टॉप हो जाएगी। सच ए पर्सन बिकेम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही शी नॉट इवन एबल टू मूव, इतनी कमी हो जाएगी, इतना वीक हो जाएगा पर्सन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन की कमी से कि वो चल भी नहीं पाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर, राइट। तो कुछ डिजीज हैं जैसे कि सपोज मैंने विटामिन सी की कमी से मेरे को स्कर्वी हो जाएगा, राइट, अगर मैंने विटामिन सी की मेरे अंदर कमी रही तो मुझे क्या हो जाएगा, स्कर्वी रोग यानी गम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट, तो डेफिशिएंसी डिजीज को कैसे रोका जा सकता है कि बैलेंस डाइट लें हम। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड ए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड एंश्योर दैट अवर मील हैव अ बैलेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय अवर बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ डिजीज दी हुई हैं, लेट्स डिस्कस देम। सम ऑफ द डिजीज डिसऑर्डर कॉज बाय डेफिशिएंसी विटामिन एंड मिनरल, विटामिन ई की कमी से, ए है यहाँ पर, क्या है, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, बिकॉज इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग अवर आई हेल्थ, राइट, आई की हेल्थ के लिए है, हमारी आंखों की देखभाल के लिए विटामिन ए, तो यहाँ पर क्या हो गया, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो लॉस ऑफ विजन, यानी हम देख नहीं पाते, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट में हमें दिखाई नहीं देता, एंड समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, राइट। B1 की कमी से वेरी वेरी वीक मसल्स हो जाती हैं, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, राइट। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, वुंड्स टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, राइट। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, एंड कैल्शियम की कमी से क्या हो गया, बोन एंड टूथ डिके, राइट। तो बोन और टूथ डिके, यानी कि हमारा बोन और वो होता है जो टूथ होता है बेसिकली, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय, नष्ट होने लगते हैं, वीक बोन हो जाती है और टूथ भी हमारे टूटने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं। आयोडीन की कमी से गोइटर हो जाता है, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, राइट, एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, जो हमारी गले में ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड, उसमें क्या हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है और उस रोग को कहते हैं गोइटर। किसकी वजह से होती है, आयोडीन की कमी से होती है। आयरन की कमी से सबको पता है एनीमिया हो जाता है, वीकनेस आती है इसकी वजह से, राइट। अब यहाँ पर जो चार्ट दिया हुआ है बैलेंस डाइट का, बैलेंस डाइट में आपके कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, कीवर्ड्स है ये, तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, बेरी बेरी किसे कहते हैं, राइट, बेरी बेरी किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, राइट, राइस में बहुत ज्यादा होता है। एनर्जी किसे कहते हैं, राइट, फैट क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, प्रोटीन, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। नाउ समरी, द मेजर न्यूट्रिएंट अवर फूड are carbohydrate, protein, fat and vitamin and minerals, right? In addition, food also contain dietary fiber and water. ये देखिए हमें याद रखना है carbohydrate, protein, fat, vitamins and minerals. ये क्या है, पांच हमारे major nutrients हैं, और हमारे इसके अलावा कौन से nutrient है, dietary fiber यानी roughage and water. Carbohydrate and fat mainly provide energy to our body.
जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट और फैट हैं वो क्या काम करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। प्रोटीन एंड मिनरल आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, राइट। जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी की मसल मास को बढ़ाता है एंड रिपेयर करता है हमारी बॉडी को। विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट हमें बचाता है। बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, राइट। तो बैलेंस डाइट में हमें सारे न्यूट्रिएंट कौन कौन से मिलते हैं, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट में हमें सभी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट एज वेल एज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज यानी घी, डाइट्री फाइबर एज वेल एज वाटर। डेफिशिएंसी ऑफ वन और वन मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिजीज, राइट, डिसऑर्डर्स। किसी चीज़ की, किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमें उससे क्या होता है, कमी हो जाती है उसको हम कहेंगे, और उससे कमी से होने वाली डिजीज को कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज, राइट, या फिर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। सो हियर आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर इट एंड थैंक यू वेरी मच।